बैक टू माई चैनल। कैसे आप सभी, आई रियली होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे। तो कल के व्लॉग में आपने देखा ही कि हम जहाँ शिफ्ट होने वाले हैं वो कौन सा घर है, कौन सा घर हमने फाइनल किया है। तो मैंने बार बार से आपको दिखा दिया था, लेकिन अंदर से भी मेरे को कल ही दिखाना था, लेकिन एक तो वहाँ पे पेंट वर्क हो रहा था, ऊपर से क्लीनिंग चल रही थी, ऊपर से लाइट भी नहीं थी, तो मैं अंदर से नहीं दिखा पाई। और आज भी अभी ये है कि पेंट का काम वहाँ पर चल रहा है, और जब तक हम भी पहुँचेंगे, अभी जस्ट रेडी हुई हूँ वहीं जाने के लिए, जब तक पहुँचेंगे तब तक सारी चीज़ें डन हो चुकी होंगी। क्लीनिंग अभी भी बाकी है, क्योंकि आज मतलब सुबह सुबह वही फिर दोबारा जब पेंट का काम हो रहा था उसके बाद फिर सारी चीज़ें मैसी हो जाती है। तो अभी क्लीनिंग हो चाहे ना हो वहाँ पर, मैं आपको फिर भी आज जो है वो घर अंदर से दिखाऊंगी। तो चलिए, अभी मैं वहीं जाने के लिए हम लोग रेडी हो गए हैं, तो अभी मैं आपको लेके चलती हूँ सीधा, और आपको दिखाती हूँ कि अंदर से वो घर कैसा दिखता है। एंड आई रियली होप कि आप लोगों को बहुत अच्छा लगे, हमें भी बहुत अच्छा लगा था। हमने तो झट से फाइनल कर दिया था, पहले ही कर दिया था, लेकिन पता नहीं कुछ चीज़ें होता है ना, घूमने घामने के बाद फिर दोबारा से वहीं पर ही आपको लेके आ जाती है ज़िंदगी। तो चलो ठीक है, जो भी है, देर आए दुरुस्त आए, हम लोगों को सच में वो घर बहुत ज़्यादा पसंद आया। तो चलिए निकलते हैं नए घर के लिए। तो ये एक इंडिपेंडेंट विला है जो कि 550 गज में बना हुआ है पूरा ये घर। तो कल मैंने आपको बाहर से तो दिखाया ही था, अब चलो मैं आपको अंदर लेके चलती हूँ और डिटेल में आपको दिखाती हूँ। तो जैसे ही यहाँ से हम एंटर करते हैं ना, तो घर बिल्कुल बीचों बीच है, और दोनों तरफ और फ्रंट और बैक में बहुत सारी जगह जो है देखने को मिलेगी आपको। तो ये देखिए, ये एंट्रेंस था, यहाँ से इतनी लंबी जगह है, फ्रंट में इतनी सारी जगह, और एक राइट हैंड साइड में एंट्रेंस हो गया। और थोड़ा सा इधर आगे चलेंगे तो ये दूसरे रूम का डोर भी ना यहीं खुलेगा, और एक आगे चलकर भी एक डोर खुलेगा। तो थ्री साइड ओपन है ये विला, तो ये मतलब अच्छी बात है। और जितना उधर दिखाया था मैंने स्पेस खाली था, बिल्कुल इधर भी बहुत सारी स्पेस है, और पीछे की तरफ भी बहुत सारी स्पेस है। तो मैंने आपको कल फ्रंट भी दिखाया, राइट हैंड साइड, लेफ्ट हैंड साइड भी दिखाया। तो अब मैं लेके चलती हूँ आपको पीछे की ओर, जो कि इस पूरे घर में मेरी फेवरेट 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 जगह है आप कह सकते हो, क्योंकि आप लोगों को पता है मुझे गार्डनिंग का कितना शौक़ है। और यहाँ देखो इतनी सारी जगह है, और मुझे मतलब गार्डनिंग करने के लिए कितनी ज़्यादा मतलब जगह मिल गई है ना, मैं तो इतनी खुश हूँ। और मेरी पूरी प्लानिंग है कि मैं सिर्फ गार्डनिंग नहीं, इस बार मैं अपना छोटा सा किचन गार्डन भी बनाऊंगी। छोटा सा नहीं, अब तो बहुत बड़ी जगह है, मतलब बहुत खेती बाड़ी करूंगी मैं तो अब। और तैयारी मैंने ऑलरेडी शुरू कर दी है, जो कि मतलब जैसे जैसे बनता रहेगा मैं आपको दिखाती रहूंगी। तो ये देखिए इतनी सारी जगह जो है मेरी गार्डनिंग के लिए है, और ये पीछे से दिखता है कुछ ऐसा घर। तो चलिए अब मैं आपको लेके चलती हूँ अंदर। तो ये है एंट्रेंस, ठीक है, ये एक कंप्लीट रूम है, और ये लिविंग स्पेस है। और यहाँ पर इतनी मतलब ये जो हॉल है ये इतना बड़ा है कि मतलब सोफ़ा सेट के साथ साथ एक छोटा बेड भी अगर मैं लगाऊँ सिटिंग के लिए, तो मतलब फिर भी बहुत जगह रहेगी और बिल्कुल खुला खुला सा रहेगा। और बड़ी सी विंडो है, और सबसे अच्छी बात ये है कि इतनी रोशनी आती है, बिल्कुल मेरे पहले वाले घर के तरह, उसमें भी सच में सनलाइट की बिल्कुल भी कमी नहीं होती थी, और वीडियोस भी बहुत अच्छे बनते थे। तो होपफुली यहाँ पर भी मैं अच्छे अच्छे वीडियोस बनाऊँ। इसी के बगल में ये है दूसरा रूम, और यहाँ पर भी देखिए बड़ी सी विंडो है, सनलाइट इसमें भी प्रॉपर आने वाली है। इनफैक्ट इस पूरे घर में ही अच्छी सनलाइट आती है, क्योंकि चारों तरफ से खुला है तो सनलाइट आती है, और अच्छी बहुत अच्छी वेंटिलेशन बनी रहती है। तो ये था दूसरा रूम, और यहाँ से जैसे हम बाहर निकलते हैं तो लेफ्ट हैंड साइड में ये है वॉशरूम। ये इस रूम के साथ कोई अटैच वॉशरूम नहीं है, बिल्कुल एडजस्टेंट में ही है। और ये स्टेयरकेस है ऊपर टेरेस में जाने के लिए, और स्टेयरकेस के नीचे भी बहुत सारी जो जगह है वहाँ पे मैं कुछ भी रख सकती हूँ। ये है थर्ड रूम पूरा, और ये है ये उस रूम से थोड़ा छोटा है, यहाँ पर भी विंडो काफ़ी बड़ी है, बहुत अच्छी रोशनी आती है। और इसमें अच्छी बात ये है इस रूम में, ये है इसमें है अटैच्ड बाथरूम, तो जो कि मॉम के लिए अच्छा रहेगा। तो ये वाला जो रूम है वो मॉम ने सोचा है मॉम लेंगी, तो दिस इज़ गोइंग टू बी माय मॉम्स रूम। और ये है कंप्लीट जो है रूम है, और अब मैं आपको लेके चलती हूँ बाहर। तो जो तीनों रूम का जो बाहर जो ये स्पेस है ना, ये बिल्कुल एक कंप्लीट हॉल है, डाइनिंग स्पेस कह सकते हो। तो बहुत बड़ा सा ये एरिया है,
और मतलब एकदम खुला खुला सा बनाता है पूरे घर को। और इसी के ठीक सामने है किचन, जो कि मैं अभी आपको दिखाऊंगी। किचन भी बहुत बड़ा है, तो ये डाइनिंग स्पेस, तो उसके ठीक सामने ही ये वॉश बेसिन जो है ये यहाँ पर है। और इस घर में थोड़ी बहुत मेरे को स्टोरेज की जो है थोड़ा बहुत मेरे को करना पड़ेगा। कोई कबर्ड्स वगैरह है नहीं, वुडवर्क वगैरह नहीं है, इवन किचन में भी नहीं है, वो अभी आपको देखने को मिलेगा ही। तो ठीक है, ये था हॉल, डाइनिंग हॉल। और इसके ठीक सामने है ये बड़ी सी किचन, जो कि मुझे बहुत अच्छी लगी, स्पेशली दिस पिलर पार्ट। दोनों साइड पिलर है, थोड़ी सी जगह है, यहाँ पे मैं प्लांटर्स रखूँगी, देख के ही बड़ा अच्छा लगा मुझे। और किचन सच में बहुत बड़ी है, और कितनी अच्छी सनलाइट आ रही है जबकि मैं शाम को वीडियो बना रही हूँ। और यहाँ पे बस यही है कि ऊपर तक टाइल लगी हुई है, तो क्लीनिंग का तो कोई टेंशन ही नहीं है। अगर क्लीन होगा तो अच्छे से क्लीन करके, मतलब गंदगी होगी तो अच्छे से क्लीन कर सकते हो। बस ये है कि वुडवर्क नहीं है यहाँ पे, लेकिन नीचे ना शेल्फ वगैरह है, तो अच्छे से चीज़ें स्टोर हो जाएंगी। यहाँ पर भी देखो फ्रिज रखने की अच्छी खासी जगह है। तो ये है कंप्लीट किचन, एल शेप्ड है लेकिन बहुत बड़ी है। तो ये किचन जो है, ये किचन और बैकयार्ड, ये दो चीज़ें मुझे इस घर की बहुत ज़्यादा अच्छी लगी। थोड़ा ओल्ड स्कूल टाइप है ये किचन, बट चलेगा मेरे को, मतलब सच में इतनी स्पेशियस है, मतलब घर वरांदा आजकल फ्लैट्स में मतलब हमको तो ये सब सुनने को ही नहीं मिलता, देखने को ही नहीं मिलता। एंड आई एम रियली ग्लैड कि चलो मैं मतलब रेंट पे ही सही, लेकिन ये घर हमें मिला। तो बस ये किचन मैंने दिखा दिया है, अब मैं आपको लेके चलती हूँ टेरेस। तो यहाँ से जाने का रास्ता है टेरेस में, तो अभी रमेश आता है, लड्डू आता है, दोनों के साथ ऊपर चलते हैं। तो चलिए मैं आपको दिखाती हूँ टेरेस। टेरेस भी माशाल्लाह बहुत ज़्यादा बड़ी है, और बहुत ज़्यादा मतलब क्या बोलूँ, मतलब इस पूरे घर की मतलब खूबसूरती शायद आप लोग देख पा रहे होंगे, लेकिन एक चीज़ जो है जो आप लोग नहीं देख पा रहे होंगे वो ये है सुकून। सच में मतलब सुकून जो मैं महसूस कर पा रही हूँ, मैं बता नहीं सकती कि कितना सुकून है सच में। खुली हवा, मतलब मुझे तो लगता है कि मेरे को कभी हार्डली ऊपर आना पड़ेगा, क्योंकि नीचे भी इतनी सारी स्पेस है। कुछ भी काम हो बाहर, अपना बैठो, धूप सेको, सब कुछ इतना अच्छा है नीचे। इनफैक्ट वर्कआउट भी करना चाहते हो तो अपना नीचे वरांडा में कर सकते हो। तो ये ऊपर से मैंने नीचे की तरफ व्यू भी दिखा दिया है, बैकयार्ड भी दिखाती हूँ मैं आपको। बहुत सच में बहुत ज़्यादा बहुत बड़ी जगह है, तो मेरा तो सच में दिल खुश हो गया। आप लोग बताइएगा कि ये वाला घर आपको कैसा लगा। और सच में मेरे को सच में अभी बीच में लॉकडाउन में ना, मतलब मेरे को तो क्या, रमेश को बहुत लग रहा था कि मतलब बालकनी में ही टंगे रहे थे हम लोग। पूरा लॉकडाउन हमने सिर्फ बालकनी में ही काटा था, तो रमेश को थोड़ा था कि थोड़ा खुला खुला स्पेस लेते हैं। और मतलब फॉर्चुनेटली हमें ये प्रॉपर्टी मिल गई है, तो अब देखते हैं अपना घर भी जल्द हो जाए, मैं तो ये दुआ करूँगी। तो चलिए आज का फिर वीडियो मैं यहीं एंड करती हूँ, और आप लोग ज़रूर बताइएगा कमेंट करके कि कैसा लगा आपको ये घर। और अब बस इसको सजाना बाकी है, वो सजाऊंगी आप ही सभी के साथ ही। तो चलिए मिलती हूँ कल, तब तक के लिए आप अपना ध्यान रखिएगा। टाटा बाय बाय, लॉट्स ऑफ लव, थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय। स्कूल में जाओगे, ऐसे स्कूल बस में जाओगे तो? नहीं तो आज तो मम्मा छोड़ के आएगी नहीं।